नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में सड़कों के निर्माण कार्य को बिहार सरकार जोर शोर से करवा रही है। खासकर जब से बिहार की सत्ता को सीएम नीतीश ने संभाली है, तब से ही बिहार में सड़कों के जाल को बिछाने का जोर शोर से काम किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि बिहार में सड़कों के जाल को बिछाने की इस पहल में सरकार को केंद्र का साथ भी मिल रहा है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में सड़कों का निर्माण कार्य बिहार सरकार की प्राथमिकताओं में से एक होगा। वहीं केंद्र का साथ मिलने के बाद ही अब आने वाले दिनों में बिहार की सड़कों को और ज्यादा विकसित करने की योजना बनाई गई है। यही कारण है कि उद्घाटन समारोह में वर्चुअली जुड़े केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बिहार की सड़कें अगले 5 सालों में अमेरिका की तरह होंगी। बिहार से पश्चिम बंगाल, झारखंड, यूपी के लिए कई एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है। राम जानकी मार्ग अयोध्या से सीतामढ़ी के भिट्ठा मोड़ होते हुए नेपाल की सीमा तक ये बनाई जाएगी। नितिन गडकरी की माने तो उन्होंने भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाले नए 4 लेन पुल के बारे में कहा कि इसका निर्माण दिसंबर 2022 तक शुरू हो जाएगा। वहीं इस दौरान उन्होंने मुंगेर पुल की चर्चा करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था। उसी पुल का अब शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। सबसे खास बात यह है कि यह राज्य का तीसरा रेल सह सड़क पुल है, जिसमें पर्यटन, कृषि और उद्योग में इजाफा होने की बहुत उम्मीद है, जिससे एक बात तो तय है कि आने वाले समय में रोजगार के अवसरों में बिहार में बेहतरीन बढ़ोतरी होगी। इस परियोजना से पूरे क्षेत्र में तरक्की और खुशहाली आएगी, जो बिहार और देश की तरक्की में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। वर्तमान समय की बात करें तो भोजपुर के कोयलवर में पुल का निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। वर्तमान में बात करें तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए बिहार में सड़क और पुलों पर खर्च हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बेहतर कनेक्टिविटी से बिहार के हर शहर और गांव को सशक्त बनाने के लिए संकल्पित हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कई अन्य मुद्दों पर भी अपने सुझाव दिए हैं, जिसके तहत ही उन्होंने विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल के लिए वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस जल्द करवाए जाने की बात कही है। इसके अलावा कटिहार और रिवीलगंज बाईपास में जमीन अधिग्रहण की समस्या हल करने, NH-80 के विक्रमगंज डुमरा खंड में फॉरेस्ट क्लियरेंस में तेजी लाने, राम जानकी मार्ग की DPR जून 2022 तक बन जाने और निर्माण नवंबर 2022 से शुरू होने, बिहार में सड़क निर्माण पर 1.60 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने और 25,000 करोड़ 2022-23 तक खर्च किए जाने की बात कही है। इसके अलावा राज्य में 27,000 करोड़ रुपए से बन रहे पुल, राज्य में 4 एक्सप्रेसवे की DPR बनाने की बात भी उन्होंने कही है, जिसके बाद ही बिहार में आने वाले दिनों में और ज्यादा अच्छी सड़क बिहारवासियों को मिलने की उम्मीद जागृत हो गई है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।